चश्मे, नो प्रॉब्लम ना, ये बैन ने डरा के रखा है। हाँ, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? अब भी आओ ना, आओ। जब से प्लास्टिक बैन हुआ है ना, मेरे रातों की नींद बैन हो गई है। कसम हमारे अपलला। Now honestly speaking, Tupperware के लव के बाद अगर कोई स्थान ले सकता है, मतलब closest competitor plastic bags है। असा अपन जपून ठेवतो एंड किसी को ऐसा स्टाइलिश बैग देते वक्त भी ना हमारे जीव को आता है। इनफैक्ट कभी कभार मावशी को कुछ बांध के देना रहेगा ना तो पीछे से मम्मी का आवाज आएगा, हे व्हाई आर यू स्पॉइलिंग दिस गुड बैग, पिशवी मध्ये बांधून दे ना। हे बघा, आय सपोर्ट प्लास्टिक बैग, एनवायरमेंट साठी व्हायलाच पाहिजे होतं, पण जरा वाईट पण वाटतं ना। अभी इतने सालों से हमारे साथ रहा है प्लास्टिक, हैज जस्ट बीन लाइक अ फैमिली मेंबर। कभी बटाटा भाजी के तेल से हमें बचाया, तो कभी नेबर्स से बचने के लिए ब्लैक कलर के बैग में हमने बाटली छुपाया। सो इट्स बीन लाइक अ ब्रदर जिसके हाथों में हाथ डाले हम चलते गए आगे, चलते गए। नाउ सडनली इट विल डिसअपीयर। त्या दिवशी पक्क्याच्या घरी बर्थडे पार्टी होती। वी वर प्लेइंग रिंगा रिंगा रो, दिस हशा पुशा और फेल डाउन। खाली बसला नाही की मांडी घालून केले के पत्ते पे हमको खाना खिलाया। प्लास्टिक बैन मुळे प्लास्टिक कप, प्लेट, काटा छुरी सब बैन है। इसीलिए आप भी किसी के घर पर अगर जाते है ना पार्टी के लिए, स्वतःची कटलरी घेऊन या, नाहीतर पंगत लागेल। आमच्या जवळच्या भाजीवाल्याकडे अभी 20 रुपये का बॅग विकत मिळता है। वो बोलेगा मॅडम इसमें ही आप सब्जी लेकर आने का जाने का वगैरह। इट्स अ गुड थॉट, पण 20 रुपये व्हाय टू वेस्ट? घरी पुराना कुछ परकर बनियन रहेगा, त्याची थोडी सिलाई करून वापरायचं का? दाराच्या बाहेर दूध का थैली भी तो हम ऐसे ही रखते है ना। बट हाँ बाबा, दूध से याद आया, नशीब ये दूध के पिशवी पे बैन नहीं है, नाहीतर मॉन्सून सीजन में प्रॉब्लम होएगा ना, मोबाइल फोन कशात ठेवायचं? अच्छा फिर या मग, पण येताना प्लास्टिक काय आणू नका, घर का सारा प्लास्टिक बाहेर निकालिये, नाहीतर फाईन लागेल। आणि दुकानात जाताना चिकन, मच्छी, मटन ये सारी चीजें कैसे लाने का, इस पर कुछ आयडिया सुचा तर मला पण सांगा।